देखेंगे हम गाजर का हलवा, सबको पसंद आता है वो। और इसके लिए चाहिए हमें गाजर, केसरी है ये, केसरी गाजर ये हलवे के लिए बहुत टेस्टी होते हैं और इससे हलवा भी अच्छा बनता है। इसको हमने साफ कर लिया है और घोल लिया है। और 1.5 किलो गाजर है तो हमने 1/2 किलो शक्कर ली है, 1/2 किलो खोया है ये मावा, घी, इलायची पाउडर, काजू के टुकड़े अंदर बांधने के लिए गाजर हलवे में डालने के लिए, और एक गार्निशिंग के लिए काजू। हम गाजर को फूड प्रोसेसर में कद्दूकस कर लेंगे ताकि आसानी से हो जाए, इसलिए हमने ये वाला ब्लेड लगाया है ताकि इससे अच्छे से हमारे गाजर कद्दूकस हो जाए। और इसे हम ऐसे डालेंगे और गाजर को तोड़ के डालेंगे। हमारा सब गाजर अच्छे से हो चुके हैं। अब हम इसे हलवा बनाने की शुरुआत करते हैं। बड़े बर्तन में गाजर लेंगे ताकि उसे पकने में आसानी हो जाए, जल्दी से पक जाएगा वो। और इसमें लगभग 1 कप दूध डालेंगे ताकि इसमें अच्छे से मॉइस्ट आ जाए। मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकने के लिए रखेंगे, 10 मिनट के लिए रखेंगे। देखते हैं वो हमारा गाजर कैसे पका है। अच्छा मॉइस्ट हो चुका है। और पकने की जरूरत है इसे, और एक 5 मिनट रखेंगे इसे। तब तक हम ये जो खोया है हमने लिया हुआ इसे अच्छे से गर्म कर लेते हैं। खोया गर्म करने से ये फायदा होता है, इसमें लम्स भी नहीं रहते और इसका कच्चापन खाते वक्त आता नहीं है। इसमें खोया है इसलिए इसमें खुद का ऑयल है, तो इसमें घी डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। अच्छे से गर्म हो चुका है हमारा खोया, हम ठंडा करने के लिए रखेंगे यहाँ पे।
ये शक्कर जो है आधा किलो वो हम इसमें डालेंगे ताकि इसके पानी में, चाशनी के पानी में गाजर अच्छे से पक जाए और शक्कर भी इसमें अच्छे से मिल जाए। बहुत खूबसूरत दिखता है गाजर का, उसका रंग ही केसरी है, इतना निखर के आया है कलर। इसमें ऐड कलर डालने की जरूरत ही नहीं है। देखिए इसमें पानी, शक्कर पिघल गई है तो पानी अच्छे से, इसी पानी में गाजर अपना पक जाएगा। 5 मिनट के लिए रखेंगे हम ढक के ताकि पानी इसमें अच्छे से मिल जाए। देखते हैं अच्छे से पक चुका है हमारा हलवा। अब हम इसमें डालेंगे खोया जो हमने गर्म कर लिया था, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे ताकि सब लग जाकर फैल जाए वो। इसमें डालेंगे हरी इलायची पाउडर और काजू, इसे एक 5 मिनट के लिए और रखेंगे ताकि इसका पानी सूख जाए। घी डालेंगे अभी इसमें, ताकि इसमें अच्छे से मॉइस्ट आ जाए। अब हम इसे बंद कर देंगे और एक ठंडा होने के बाद खाएंगे। ठंडा गर्म जैसा चाहे आप चाहे वैसे इसे खा सकते हैं।